best ISO? Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game, we taking shots. Hey guys, welcome back to my channel and today I am in Kobe and welcome to this voiceover vlog. तो आज यहाँ पे इस बच्चे को मैंने खेलते हुए देखा था. ये बच्चा अपना पैर इसके बीच में रखने की इतनी कोशिश कर रहा था. मन कर रहा था मैं इसके साथ जाके खेलूँ लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ. फ्लावर्स के बीच में हमने ये सेल्फी क्वीन देखी जो हर चीज़ रिकॉर्ड करना चाहती है, वर्ल्ड को दिखाना चाहती है कि हाँ मैं भी इंजॉय कर रही हूँ. तो दिस इज़ द चर्च जहाँ पे हमें जाना था. लेकिन चर्च से पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक बोट है जो हमें इस आइलैंड पे लेके जाती है, स्पाइक आइलैंड टूर. तो हमने कहा क्यों ना इसके बारे में ज़रा पूछ के आएंगे पहले. तो वी वर वॉकिंग डाउन द लाइन देयर. फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे थे, फ्लावर्स रंग बिरंगे, ये सारी दीवारें रंग बिरंगी, कलरफुल है को बहुत ज़्यादा. ये सारे कलरफुल के बीच में आपको दिखेगा एक फोटोग्राफर. देखिए है ना, फोटोग्राफी गोल्स हो तो ऐसे हो वरना ना ही हो. तो बाय द वे मुझे भी देख लीजिए, मेरे बाल थोड़े खराब थे इसलिए मैंने शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन चश्मे तुम्हारे भाई के काफी कतली हैं. तो ये है स्पाइक आइलैंड टूर. यहाँ पे 24 एकड़ का एक शेप्ड आइलैंड है जो यहाँ कोप से आपको लेके जाते हैं. सो वी वर लेट फॉर दिस बट तब भी हमने वहाँ पे देखा. तो ये है टाइम टेबल, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे देख लेना. अगर आप कभी कोप जाओ तो ज़रूर बुक कराना. हम नहीं जा पाए तो आप ज़रूर जाना, 25 यूरो पर पर्सन. चलो शुक्र है मैं लेट हो गया, मुझे वैसे भी जाने का मन नहीं था. तो यहाँ पे एक एडिक्टेड करके ये शॉप था, वहाँ पे बैठ के अपनी हॉट चॉकलेट पी थी. तो मैंने हॉट चॉकलेट टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगती है. ऑर्गेज्म, हॉट चॉकलेट से भी ऑर्गेज्म होता है भाई मुझे तो. तो यहाँ पे एक शिप जा रहा था यहाँ पे आर्मी का. इस आर्मी के शिप में बेस्ट चीज़ क्या थी, जो पीछे दो हेलीकॉप्टर्स लगे थे. बाय गॉड क्या फील आ रही थी इनको देखने में. मन कर रहा था काश मैं भी यहीं होता. तो यहाँ से हमें ऊपर चढ़ के जाना है. तो मैं कहा क्यों ना पहले एक ही पोज में तीन फोटो खींच दी भाई सामने, वो खिंचवा लूँ. एक भी अपलोड नहीं करी क्योंकि मुझे अपना स्टैंड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. हमारा ट्रैक चल ही रहा था, बेग साहब थक गई थी लेकिन जैसे ही मैंने उन पर कैमरा करा बड़ी खुश होने लग गई. यहाँ की ये वॉल्स बहुत प्यारी थी. एक तो घर इतने पास थे बेग साहब और मैंने सोचा कि क्यों ना नॉक करके भाग चढ़ेंगे कैसे, बहुत चढ़ान थी. यहाँ पे एक होटल है गाइस, ये होटल आप जरूर चेक करना, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था. अब ये घर को देखना बहुत ध्यान से. अब इस घर से ये व्यू आता है. इस घर में बाहर बालकनी में जो भी है सिर्फ किताबें हैं, पढ़ोगे लिखोगे तभी ऐसा व्यू वाला घर मिलेगा. क्या व्यू है बाय गॉड. तो वहां से यहाँ इतना हम चढ़ के आए थे ऊपर, तो देख लीजिए इतनी चढ़ान करनी ही पड़ेगी सबको यहाँ पर. अब ऊपर आ गए थे तो क्यों ना फोटोज खिंचवा लेते. मैंने भी अपनी तीन फोटो खिंचाई बट मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ, बेग साहब की भी मैंने दो फोटो जरूर खींची थी. फिर यहाँ से एक गार्डन आता है, उस गार्डन में बैठ के मैंने और फोटोज क्लिक करनी चाहिए और यहाँ से फोटोज क्लिक कर ही रहा था कि बेग साहब आके कहती कि मैंने उनकी भी फोटो खींच दी. क्या करें मैं खुश हूँ गाइस, मैं अपना खुश हूँ, मैं लोगों को खुश रखता हूँ, फोटोज खींचता हूँ, अपन चिल है गाइस. यहाँ पे एक कपल को देखा कहाँ बैठे हुए थे भाई. और ये विजिटर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कोव में क्या करना है तो ये ज़रूर पढ़ना. हमने सोचा क्यों ना उल्टा चढ़ा जाए, क्या पता उल्टा चढ़ने से हमारे पैर कम दर्द होंगे. बेग साहब चलने लगी, फिर उन्होंने बोला चल बे जोशिंग अराउंड को क्यों फॉलो करूं. जो भी है ये व्यू देखो यार, ये बादल कितने इंपॉर्टेंट है. आयरलैंड में बादलों से बहुत प्यार हो जाता है. आखिरी कुछ सीढ़ियाँ और मैं बस ऊपर पहुँच ही गया. लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ो, ये बादल देखो यार, बादल की जो चादर फैला रखी है, चादर उस बीच में सन है भाई, और बीच में सन, ये बादल और ये व्यू. बस आखिरी 10 कदम और तुम्हारा भाई बस पहुँच जाएगा वहाँ पे. और फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच चुका है यहाँ पे. सूरज बड़ा अच्छा आ रहा है, अच्छी खासी किरणें आ रही है, पूरा चर्च तक पहुँच गया हूँ. बाल देख रहे हो कैसे उड़ रहे हैं हवा से. पीस आउट. यहाँ की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी थी ना वो था ये पार्ट. पूरे कोप ट्रिप की सबसे बेस्ट पार्ट था क्योंकि यहाँ पे जो प्रेयर हो रही थी वो डॉग्स के लिए हो रही थी. हर ओनर अपना डॉग लेके आया था और सारे डॉग्स इतने ओबीडियंटली बैठे हुए हैं और प्रेयर कर रहे हैं. बट सबसे ज़्यादा फेवरेट डॉग मेरा पता कौन सा था, ये वाला कितना बड़ा सा पीछे बैठा हुआ है मम्मी के साथ अपनी. एक बीगल भी देखा था यहाँ पे, बीगल को देख के अपने कूपर की बहुत याद आ गई, कितने नोटी होते हैं भाई बीगल.
तो ये सारे डॉग्स एक के बाद एक लाइन में आगे आ रहे थे और जो फादर था वो सबको ट्रीट दे रहे थे. देख रहे हो सारे कितने लाइन में लगे. हमारे इंडिया वाले होते तो भेट जाते यार अभी तक, और कुछ नहीं करते वो लोग. फाइनली मुझे नहीं चाहिए खाना मम्मी. अरे ये फादर तो मुझे प्यार करता है. गाइस यहाँ से निकलो, यहाँ पे डेंजर है. फादर पता नहीं क्या खिला रहा है सबको. चलो भाई चलो चलो. तो फाइनली हम इस चर्च के अंदर आए थे और चर्च की बहुत प्यारी बात मुझे लगती है. एक तो पहली बार बॉलीवुड मूवीज में जब चर्च देखे थे तो इतने प्यारे से लगते थे और आज पहली बार इनको एक्सपीरियंस करते हुए ना इतनी शांति होती है कि बस मन करता है यहाँ पे बैठे रहो. अगर कभी चर्च जाओ तो जरूर बताना गाइस तुम्हारा एक्सपीरियंस कहता था. बेग साहब ने बोला मैं तो पूरी लाइन ये कैंडल जलाऊंगी. मैं कहा बेग साहब क्या कर रही हैं. कहती नहीं मुझे तो जलानी है, मैं तो पूरी लाइन जलाऊंगी. मैं कहा जलाइए, मैं तो जरूर नहीं करूंगा. लेकिन उसी के दो मिनट बाद मैं खुद पूरी लाइन जलाने लग गया था कैंडल्स की. बाय द वे वहां से जब हम बाहर निकले तो ये AIB का एक बैंक था. ये बैंक क्यों इतना प्यारा था, इतना छोटा बैंक है, पूरे आयरलैंड में सबसे छोटा AIB का बैंक देखा था मैंने. तो यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स थोड़े कम हैं तो हमें एक बीच में हांगकांग किचन देखा. मैंने हांगकांग किचन मतलब कुछ तो स्पाइसी होगा, तो मैंने कहा चलो भाई हांगकांग किचन है, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें खाने को क्या मिलेगा. वेलकम वेलकम मेरे गाइस वेलकम. तो वेलकम के साथ हम अंदर घुसे और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी अच्छा था, बहुत रेस्टोरेंट वाली फील आ रही थी. इसको खोलते ही मुझे लगा कि भाई इतना कुछ है खाने को, सुबह से कुछ नहीं खाया है. ये आप देख रहे हैं बेग साहब ने प्लेट के नीचे हाथ क्यों रखा है, क्योंकि प्लेटें गर्म हैं और इसलिए सब अपने हाथ सेक रहे हैं. खाने में हमने मंगाए थे अपने राइस, अपने प्रॉन्स, प्रॉन्स में सब्जियाँ बहुत हैं यार, और हमने मंगाए थे चिकन लॉलीपॉप. तो खाया पिया और यहाँ पे क्या लगा, ब्रिंग योर ओन. अरे कम ऑन, हम तो ऑरेंज जूस पीते गाइस, ये हमारे बस की नहीं है. तो यहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस था, बहुत ही प्यारा. इस कॉफ़ी हाउस के अंदर का एक इंटीरियर मुझे काफ़ी पसंद आया था तो मैं कहा अंदर चले. और सबसे बेस्ट चीज़ लगी यूट्यूब कॉफ़ी बॉय. इन्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ, इन्हें पता है तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए. भी एक साहब कुछ देख रही थी इससे मुझे अभी तक नहीं पता क्या. और यहाँ पे सारे फ्लैग्स थे कंट्रीज़ के, सिर्फ इंडिया का छोड़ के. इंडिया का ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिला. बट कोई नहीं, आयरलैंड वाला भी इंडिया जैसा लगता है. मैंने तो अपनी वनीला लाटे खोल ली थी और बेग साहब ने ली थी अपनी कैपेचिनो. वनीला लाटे विंस. एनीवे गाइस व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है. पीस आउट. अगर आप अभी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. पीस आउट बेग साहब, पीस आउट बोलो जरा. पीस आउट.